दोस्तों, कैलाश पर्वत को भगवान शिव जी का घर कहा जाता है। यहाँ कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि साइंस के लिए मानना असंभव है, जैसे कि मान सरोवर और राक्षस ताल, दोनों एकदम विपरीत नेचर की लेक्स हैं। हालांकि दोनों एक ही हाइट पे हैं, एक ही एटमॉस्फेयर के अंदर हैं और आजू बाजू हैं, पर ये समझ में नहीं आता कि मान सरोवर का पानी एकदम साफ और पीने लायक क्यों है, जबकि राक्षस ताल का पानी ना ही पीने लायक है और ना ही उसमें किसी तरह का जल जीवन संभव है। और बहुत से लोग इसको शिव जी के स्वरूप से रिलेट करते हैं, जैसे कि शिव जी के सर पे चंद्रमा है जो कि अमृत का प्रतीक है और थोड़ा सा नीचे गले में विष है। हालांकि दोनों चीजें साथ साथ नहीं रह सकती। इसी तरीके से लोग इसको राक्षस ताल और मानसरोवर से रिलेट करते हैं। कैलाश पर्वत को लेके लोगों का ये भी मानना है कि जो भी कैलाश पर्वत पे चढ़ने की कोशिश करता है उसकी उम्र अचानक से बढ़ने लगती है। यहाँ पे अचानक से रास्ते बदल जाते हैं और मौसम एकदम से बदलने के कारण इस पे चढ़ना नामुमकिन हो जाता है। 1999 में रशिया के ऑप्टोमोलॉजिस्ट अर्नेस्ट मोल्दशेव और उनकी टीम कैलाश पर्वत का स्टडी कर रही थी। उन्होंने क्लेम किया कि ये पर्वत दुनिया का सबसे बड़ा मैनमेड पिरामिड है, जैसे कि और भी पिरामिड है, जैसे कि पिरामिड ऑफ गीजा, और इसको स्ट्रेटेजिकली प्लेस किया गया है सेंटर ऑफ द अर्थ पे, और इसके नीचे सिटी ऑफ गॉड्स यानी शंबाला है। उनकी टीम ने ऐसा भी क्लेम किया कि उन्होंने कैलाश पर्वत के अंदर से कुछ आवाजें सुनी। शंबाला यानी हिंदू और बुद्ध धर्म में वह जगह जहाँ देवता रहते हैं। दोस्तों, शंबाला हिमालय के नीचे एक शहर है जहाँ आप तभी जा सकते हैं जब आप स्पिरिचुअली अवेकेंड होंगे, यानी कि आपकी आत्मा शुद्ध होगी। ये भी मानना है कि यहाँ समय का कोई भी प्रभाव नहीं होता और यहाँ के लोग अमर होते हैं। ये जगह हमारी कल्पना से ज्यादा सुंदर और एडवांस है। शंबाला और शंग्रीला को लेके बहुत सारी कहानियां हैं, जिसमें से गोंगे साम्राज्य वाली बहुत फेमस है, जिसमें रातों रात 100,000 लोग से भी ज्यादा किसी को बिना बताए ऐसे गायब हो गए कि जैसे वहां कोई रहता ही नहीं था। अब सवाल ये आता है कि इससे कैलाश पर्वत से क्या संबंध है। इसको समझने के लिए हमें 13 से 14 शताब्दी के बीच में जाना होगा, जब यहाँ के पहले शासक यहाँ पे राज करने आए थे। तब ये जगह एकदम बंजर थी, क्योंकि बहुत ऊपर हाइट पे स्थित होने की वजह से यहाँ पे कोई सुसाधन नहीं थे और यहाँ पे खेती करना या किसी भी तरीके की कुछ भी चीजें उपजाना बहुत मुश्किल था, और ये चारों तरफ से बर्फ से ढकी हुई जगह थी। पर 15वीं शताब्दी में न जाने ऐसा क्या हुआ, इस जगह पे सारी सुख सुविधाएं आ गई और इतनी मुश्किल जगह पे वो लोग आराम से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। जब इस बात की खबर आसपास के राज्यों को पता चली, उन्होंने गोगे साम्राज्य के लोगों से पूछा कि ऐसा कैसे हुआ, तो सबने यही बोला कि उनकी मदद शंबाला के लोगों ने की है। आसपास के साम्राज्य इससे बहुत प्रभावित हुए और इनकी टेक्नोलॉजी और ज्ञान को पाने के लिए लद्दाख के राजा ने सन 1673 के आसपास यहाँ पर हमला कर दिया और गोगे साम्राज्य को पूरे तरीके से घेर लिया। हालांकि गोगे साम्राज्य पहाड़ी में स्थित था और इनके पास कोई भी रास्ता नहीं था कहीं से भी बाहर जाने का। लोगों का अनुमान था लगभग महल के अंदर 100,000 लोग होंगे, पर लोगों की आंखें फटी की फटी तब रह गई जब उन्हें एक भी व्यक्ति अंदर नहीं मिला। 100,000 लोगों का शहर का कोना कोना ढूंढा गया पर कोई कुछ नहीं मिला, सिवाय बहुत सारी सुरंगों के, और राजा ने निर्देश दिया इन सुरंगों के अंदर भी ढूंढने का, पर वहां भी कुछ नहीं मिला सिवाय एक होश उड़ा देने वाली बात के। ये सारी सुरंगें एक ही जगह पे जाके मिलती थी, जिसका नाम है कैलाश पर्वत।